गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो दिस ईयर 12th स्टैंडर्ड हम लोग फिर से एक बार बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट लेके एक साथ मिले हैं. टॉपिक के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अपने क्लासेस में आपके 12th स्टैंडर्ड के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के सारे टेक्स्ट बुक आ चुके हैं. सो प्लीज अपने ऑफिस का टाइम है 10 बजे का. सो 10 बजे के बाद एक डेढ़ घंटे के अंदर आप बिना भूले अपने टेक्स्ट बुक कलेक्ट कर लेना. जिन्होंने अभी तक टेक्स्ट बुक कलेक्ट नहीं किया है वो लोग आके क्लासेस के ऑफिस में से टेक्स्ट बुक कलेक्ट करना जरूरी है. सो यू गेट द प्रॉब्लम्स फ्रॉम आपको सारे प्रॉब्लम्स उसमें से मिल जाएंगे. जो जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने लिया है, जिन्होंने नहीं लिया है तो मैं आपको वापस से एक बार रिमाइंड कर दूं कि क्लासेस के ऑफिस में आके 10 बजे सुबह ऑफिस खुलता है तो आप लोगों को आके टेक्स्ट बुक बिना भूले कलेक्ट करना है. सो नाउ वी स्टार्ट विद द सब्जेक्ट. सी स्टूडेंट्स, हमने 11th स्टैंडर्ड में बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे मेन बुक हमें पता है पहला बुक जर्नल, उसके बाद लेजर, उसके बाद सब्सिडियरी बुक्स जिसमें हमने देखा था परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न. फिर हमारा सबसे मेन बुक था कैश बुक एंड देन पेटी कैश बुक. आज अगर हम लोग 12th स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में मेजॉरिटी पार्ट जो है दैट इज ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट. आई राइट हियर सी पार्टनरशिप अकाउंट मेजॉरिटी पार्ट है. यहां पे पार्टनरशिप अकाउंट का सिंपल है मींस द बिजनेस ऑफ द पार्टनर्स. अच्छा, हमें ये भी पता है कि बैंकिंग में मैक्सिमम 10 पार्टनर्स होते हैं, नॉन बैंकिंग में मैक्सिमम 20 पार्टनर्स लिए जाते हैं. सो ये पार्टनरशिप को लेके हमारे सिलेबस में एक डिवीजन है, उसमें आता है दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. दिस इज वन डिविजन ऑफ द सिलेबस, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. अब इसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड, अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये हमें अभी पता चलेगा. सो चैप्टर जो है इस डिवीजन में जो चैप्टर है दैट चैप्टर इज द फर्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर यह है चैप्टर. अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते. सी इट्स वेरी सिंपल. सपोज देर आर टू बिजनेस मैन, दे आर द पार्टनर्स, दे आर डूइंग बिजनेस इन पार्टनरशिप. सपोज देर आर टू बिजनेस मैन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दे आर द पार्टनर्स, दे आर डूइंग द बिजनेस इन पार्टनरशिप. अच्छा बिजनेस कर रहे. अच्छा, और एक मिस्टर सी करके कोई एक बिजनेसमैन है, मिस्टर सी ही इज ऑल्सो बिजनेसमैन, वो भी अच्छा एक बिजनेसमैन है, लेकिन वो ऐसे एक बार सोचता है और मिस्टर ए और मिस्टर बी को बोलता है कि
आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन यूअर बिजनेस एज अ पार्टनर। मिस्टर सी, देखो बच्चों, मिस्टर सी मिस्टर ए और बी को बोलता है आई वॉन्ट टू ज्वाइन यू एज अ पार्टनर, मुझे भी आपके बिजनेस में पार्टनर करके आना है। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी सोचते कि हम लोग तो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी बिजनेस में आता है, अपने को मालूम है, हमने 11 में पढ़ा है, अगर कोई आदमी बिजनेस चालू करता है या बिजनेस में आता है तो नेचुरली वो कैपिटल लेके आएगा। तो ए और बी सोचते हैं कि ये आते वक्त कैपिटल लेके आएगा। उसके साथ मैंने अभी आपको बोला ना, मिस्टर सी एक अच्छा बिजनेसमैन है, तो मिस्टर सी का एक्सपीरियंस, उसका स्किल शायद उनके बिजनेस को प्रोग्रेस ला दे, उनके बिजनेस के लिए उसका फायदा हो सकता है। इसलिए मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में डिस्कस करते, फिर एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचते कि चलो मिस्टर सी को अपने बिजनेस में एडमिशन दे देते हैं। तो पहले तो ए और बी दोनों थे, वो लोग ने डिसाइड किया मिस्टर बी सी को आना है, तो वो लोग ने डिसाइड किया कि ये सी अपने लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, तो उसे पार्टनरशिप में लेते। देन दे टेक द डिसीजन एंड मिस्टर सी इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप ऑफ मिस्टर ए एंड बी। अब देखो ठीक से देखना यहां पे कैसे, पहले मिस्टर ए और मिस्टर बी बिजनेस कर रहे थे, राइट? तो वी कैन से मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर द ओल्ड पार्टनर्स, दे आर द ओल्ड पार्टनर्स। अब मिस्टर सी आना चाहता था, सो ए और बी ने डिसाइड किया चलो मिस्टर सी को भी एडमिशन देते। अब जब ये लोग डिसाइड कर रहे हैं तो ये आना चाहता है, सो मिस्टर सी इज कॉल्ड एज इनकमिंग पार्टनर, मिस्टर सी इज कॉल्ड एज इनकमिंग पार्टनर। मिस्टर ए एंड बी आर द ओल्ड पार्टनर्स, मिस्टर सी इज कॉल्ड एज इनकमिंग पार्टनर। और ए और बी ने डिसाइड करने के बाद जब सी उनके बिजनेस में आता है, अब ये तीन पार्टनर हो गए, अब ये तीन पार्टनर हो गए, मिस्टर ए मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। अब इन तीनों पार्टनर को मिलके हम लोग बोलेंगे दीज थ्री पार्टनर्स आर कॉल्ड एज न्यू पार्टनर्स। सो सी स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, यहां पे जैसे मैंने बोला ये री कॉन्स्टिट्यूशन का डिवीजन में हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मिस्टर ए एंड बी बिजनेस करते थे, सो दे आर कॉल्ड एज ओल्ड पार्टनर्स। एक मिस्टर सी करके कोई नया पार्टनर आ रहा है, तो ए और बी ने उसे एडमिशन दिया, अब ये तीन बन गए ए बी एंड सी, सो दे आर कॉल्ड एज न्यू पार्टनर्स। अब यहां पे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहां पे आता है, सुनो। देखो, अगर हमें अगर एक प्रॉब्लम दिया एडमिशन ऑफ पार्टनर का, तो उस प्रॉब्लम में हमें क्या क्या मिलेगा, व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम में क्या क्या मिलेगा, व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो देखो, प्रॉब्लम में हमें मिलेगी मिस्टर ए और मिस्टर बी की एक बैलेंस शीट जो हमने पढ़ा था, आपको याद है, बरोबर है? सो मिस्टर ए और मिस्टर बी की प्रॉब्लम में हमें मिलेगी फर्स्ट ओल्ड बैलेंस शीट, वी गेट द ओल्ड बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक है? अब जैसे कि उनका बिजनेस था, सी आया, अब सी आने के बाद उनके पहले दो थे, अभी तीन हो गए,
तीन पार्टनर्स हो गए, तो सी आने के बाद उनके बिजनेस में कुछ चेंजेस होंगे। वो क्या चेंजेस होंगे? सारे नहीं, कुछ बातें बदलेगी। धीरे धीरे डिस्कस करते करते हमें पता चलेगा कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो वो कुछ चेंजेस इस बैलेंस शीट के नीचे, ये बैलेंस शीट किसकी है? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी की। नया कौन आ रहा है? मिस्टर सी। तो मिस्टर सी आ रहा है कौन से डेट को, वो ये बैलेंस शीट के नीचे दिया जाता है। और कुछ चार पांच चेंजेस होते हैं, ओनली 4 to 5 चेंजेस, वो एडजस्टमेंट के रूप में बैलेंस शीट के नीचे आएंगे। मिस्टर सी आ रहा है और वो कुछ चेंजेस ला रहा है, उसकी वजह से कुछ चेंजेस हो रहे हैं। वो जो चेंजेस है, दीज चेंजेस आर इन द फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट्स। ये दो बातें हमारे प्रॉब्लम में हमें मिलेंगी। सी स्टूडेंट्स, ए और बी का बिजनेस था, अच्छा मिस्टर सी वांट टू जॉइन देयर बिजनेस एज अ पार्टनर, तो ए और बी ने सी को एडमिशन दिया। पहले दो थे, अब तीन पार्टनर हो गए। दो पार्टनर्स को हम लोग बोलेंगे ओल्ड पार्टनर्स। तीसरा आया, आ रहा है इनकमिंग पार्टनर, उसको एडमिशन देने के बाद तीन हो गए, दे आर कॉल्ड एज न्यू पार्टनर्स, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तो अब हमें प्रॉब्लम दी है, उस प्रॉब्लम में हमारे पास है ओल्ड बैलेंस शीट किसकी, ए और बी की, और नीचे दिया है कि सी आ रहा है, सी इज कमिंग इन द बिजनेस एज अ पार्टनर। सी बिजनेस में आ रहा है तो आने के बाद क्या चेंजेस होंगे? वो 4 या 5 चेंजेस एडजस्टमेंट के फॉर्म में, इतना हमारे पास है। सो नाउ सी, बहुत सिंपल और इजी बातें हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रॉब्लम तो हमें मिल गया, सी आने के बाद, सी आने के बाद जो चेंजेस मैंने अभी बोले, उन चेंजेस को इनके बिजनेस में, अब तीनों का बिजनेस हो गया एबीसी का, तो उन चेंजेस को उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें एडजस्ट करना है। तो ये जो चेंजेस हम लोग एडजस्ट करेंगे, मतलब हमें उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बदलने पड़ेंगे। तो ये जो हम लोग उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बदलेंगे, उसमें पहले का बिजनेस कंसेप्ट और कुछ चेंजेस, इनको लेके जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करेंगे, उसी को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अब हम लोग तीन पार्टनर का अकाउंट प्रेजेंट करेंगे। So, ये जो अकाउंट हम लोग प्रेजेंट करेंगे ए बी और सी का, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसमें देखो बच्चों, कौन से अकाउंट हमें ओपन करने हैं। अकाउंट्स, ये हमारा आंसर होगा। अकाउंट्स टू बी ओपन, अकाउंट्स टू बी ओपन। सी, ए और बी का बिजनेस था, सी आया और तीनों का बिजनेस हो गया। तीनों का बिजनेस होने के बाद हमें तीनों का मिलके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अल्टर करके प्रेजेंट करना है। देखो एक छोटी सी बात, अकाउंट्स पढ़ रहे, अकाउंट्स के लिए सिंपल कुछ बातें याद करते, बीती हुई। अकाउंट्स के लिए डेबिट क्रेडिट, तो चलो फिर से एक बार रूल बोलते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट
ऑल इनकम्स एंड गेन्स. वेरी नाइस वेरी नाइस. सब मालूम है. डेबिट में लॉस या एक्सपेंस होता है, क्रेडिट में इनकम या प्रॉफिट होता है. हाँ, डेबिट द रिसीवर जिसको मिलता है उसको डेबिट, जो दे रहा है वो क्रेडिट, जो आ रहा है वो डेबिट. डेबिट व्हाट कम्स इन, जो जा रहा है वो क्रेडिट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट वी नो. दो कॉन्सेप्ट. सॉरी, बिजनेस में वी नो असेट्स होते हैं. असेट्स मतलब बिजनेस का प्रॉपर्टी, और साथ में बिजनेस में कुछ लाइबिलिटीज होते हैं. एक्चुअली यार लाइबिलिटी की थोड़ा टेंशन का बात होता है. लाइबिलिटी, हमें किसी को पैसा देना है, दैट इज आवर लाइबिलिटी. बिजनेस में उधारी पे बिजनेस करना ही पड़ता है हमें मालूम है, और हम लोग लोन लेते हैं. सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज लाइबिलिटीज. तो देखो बच्चों, तीन जन का बुक्स ऑफ अकाउंट लिखने जा रहे हैं. सबसे पहले एक अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे, एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन अकाउंट. सी आई रिपीट, रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यू एक तीसरा आने के बाद तीन जन का हम लोग अकाउंट कर रहे हैं. तो बिजनेस के कुछ असेट्स और लाइबिलिटीज, सारे नहीं, कुछ असेट्स और लाइबिलिटीज के वैल्यू चेंज होंगे. वो जो वैल्यू चेंज होंगे उन असेट्स और लाइबिलिटीज को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. वी रिकॉर्ड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये हमारा पहला, राइट. अच्छा, उसके बाद अभी हमने देखा कि और भी सोचते हैं, अरे सी आएगा तो साथ में कैपिटल भी लाएगा. सो रिवैल्यूएशन के बाद आएगा तीनों पार्टनर का, ए का, बी का और सी का, तीनों का मिलके हमें एक सेपरेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करना है. सेकेंड अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल. अच्छा, इसमें एक बात है, जैसे कि कभी कभी बिजनेस में क्या करते हैं कि बिजनेस वाला कैपिटल को एक साइड में सेपरेट अकाउंट में रखते हैं, और बाकी बिजनेस ट्रांजैक्शन एक अलग सा करंट अकाउंट ओपन करके करते हैं. तो अभी तो फिलहाल मैं आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बाद में हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको, कि अगर प्रॉब्लम में कैपिटल और करंट दोनों है तो कैपिटल की जगह पे हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, करंट अकाउंट नहीं तो कैपिटल अकाउंट. सो पहला अकाउंट हमारा कौन सा है, राइट रीवैल्यूएशन. सेकेंड अकाउंट तीनों का होगा, तीनों का रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट रहेगा तो करंट अकाउंट, राइट. फर्स्ट अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. ओके, अब सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस में आती है, यू नो, कैश. कैश और बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन चेक से होते हैं. जैसे हमने 11th में देखा था, हम लोग फाइनल अकाउंट तक पहुंचे थे, तभी हम लोग कैश ट्रांजैक्शन होते थे, तो हम लोग बोलते थे कैश बैंक, राइट. सो फर्स्ट अकाउंट हमें ओपन करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकेंड अकाउंट हमें ओपन करना है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, थर्ड अकाउंट हमारा होगा कैश बैंक अकाउंट, कैश और चेक ट्रांजैक्शन. देखो अभी हम लोग ये क्यों कर रहे, क्योंकि पहले दो थे, अभी तीन आए, तो तीनों का एक अल्टर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फॉर्मेट हम लोग बना रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ए बी और सी का. असेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू चेंज होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे. पार्टनर्स का कैपिटल, तीन पार्टनर्स का आएगा, पहले दो थे ना, अभी तीन पार्टनर्स का,
पार्टनर्स कैपिटल, साथ में करंट होगा तो कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट। सबसे मेन चीज कैश बैंक अकाउंट, और फिर आएगी उसके बाद आएगी हमारी न्यू बैलेंस शीट। प्रॉब्लम है कौन सी बैलेंस शीट थी? ओल्ड बैलेंस शीट। कितने पार्टनर की थी? दो। अब हम लोग क्या करेंगे? न्यू बैलेंस शीट कितने पार्टनर की बनाएंगे? तीन। सो हियर कम्स न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इस बैलेंस शीट में तीन पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस हम लोग ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस शीट ऑफ कोर्स, या राइट, लाइबिलिटीज असेट्स। देखो इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, सिर्फ इसका कंसेप्ट हमें स्टडी करना बहुत जरूरी है। कैसा है ना कि जैसे कि 11th में हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा, हमें याद है, हम लोग भूले नहीं है, हम लोग उस स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो 12th का हर एक चैप्टर हमें स्टेप वाइज जा रहा है। सो ये हमारा पहला स्टेप है। पहले स्टेप में कुछ बातें आती है। पहला स्टेप दैट इज अकाउंट स्टूडियो फॉर्मेट, हेडिंग्स एंड रूलिंग, बरोबर है, जिसमें द वेरी फर्स्ट अकाउंट दैट इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, थर्ड कैश बैंक अकाउंट, एंड द फोर्थ न्यू बैलेंस शीट ऑफ थ्री पार्टनर्स। हाँ, लेकिन साथ में हम लोग एक छोटा सा वर्किंग नोट हमेशा रखेंगे इसके साथ, एक छोटा सा अकाउंट। उस अकाउंट का नाम है गुडविल अकाउंट, इट इज कॉल्ड एज गुडविल अकाउंट। देखो बच्चों, यहां पे कैसा है ना के गुडविल, आपको पता है गुडविल, अरे गुडविल मालूम है सर, याद है, गुडविल इज द रेपुटेशन और इमेज ऑफ द बिजनेस। इस गुडविल के ऊपर बिजनेस चलता है, इस गुडविल की वैल्यू होती है बिजनेस में। सो इसको भी हमें आगे चल के अलग तरीके से डिस्कस करना है। सो एक छोटा सा गुडविल अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। आई विल टेल यू, टेंशन की बात नहीं है। फर्स्ट पेज रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाफ पेज पे आएगा पहला पेज रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाफ पेज, बचा हुआ हाफ पेज पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, राइट, ओके। उसके बाद सेकेंड पेज पे आओ, कैश बैंक, एट लाइंस, कितना, एट लाइंस, ओके। कैश बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऐसे ड्रॉ करनी है कि बैलेंस शीट के नीचे ओनली फोर लाइंस, पांच भी नहीं, ओनली फोर लाइंस का गुडविल अकाउंट, दैट्स इट। मतलब हमारा ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन का अकाउंट हम लोग प्रेजेंट करने जाएंगे, ये अकाउंट हम लोग दो पेज में प्रेजेंट करेंगे, ओनली टू पेजेस, ओके। हाँ, अब इसके आगे देखो, मैं कब से आपको बोल रहा हूं स्टूडेंट्स कि हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द पार्टनरशिप अकाउंट। दो पार्टनर है, तीसरा आता है, पहले ओल्ड थे, अभी तीन नए बन गए, तीनों का मिलके अकाउंट चेंज करके हम लोग अभी प्रेजेंट कर रहे हैं। सो नेचुरली अब तक आपको आइडिया आया रहेगा कि पार्टनर्स, ए पार्टनर जब बिजनेस करते हैं तो उनका प्रॉफिट या कभी कभी लॉस, प्रॉफिट और लॉस व्हाट एवर दे डिस्ट्रीब्यूट इन रेशियोस, वो लोग ना रेशियो में बांटते हैं, राइट। सो सुनो, ये अकाउंट ओपन करने के बाद पीछे एक ब्लैंक पेज रखना है हमें अलग सा वर्किंग नोट के लिए, जिसमें
पार्टनर्स रेशियोज। देखो हमें रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। रेशियो इट्स वेरी सिंपल वेरी इजी नथिंग इज देयर। एक 5-10 मिनट के लिए हम लोग देख लेंगे कि रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके? लेकिन वो हमें करना है क्योंकि कैसा है ना, पहले ए और बी था, बरोबर है, तो उन दोनों में बचता था प्रॉफिट, तो दो ही बांट के लेते थे, ओके? लेकिन तीसरा आया, अब जो प्रॉफिट दो में बटता था नेचुरली अभी वो तीन में बटेगा, है कि नहीं? सो नाउ दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन थ्री पार्टनर्स। सो पहले दोनों का रेशियो था, तीनों का आएगा, सो वी हैव टू चेंज द रेशियोज। अब वो रेशियो चेंज करने के लिए हमारा एक वर्किंग नोट होगा, ठीक है? अच्छा, दूसरी कैसा है के 11th में हमें मालूम है, हमने जब बुक्स ऑफ अकाउंट चालू किया था तो जर्नल के साथ चालू किया था, क्योंकि जर्नल इज द बुक ऑफ अ प्राइम एंट्री, वही तो बेस है, जर्नल के आगे अकाउंट चलता है और आगे चलते रहता है, बट द बेस इज जर्नल। अब यहां पे हम लोग एक सी पहले कुछ चार प्रॉब्लम्स, ये जो अकाउंट मैं बोल रहा हूं ना, ये अकाउंट दीज आर कॉल्ड एज लेजर, मालूम है ना तुम्हें, लेजर अकाउंट लाइक दिस, यूअर दिस लेफ्ट हैंड डेबिट राइट हैंड क्रेडिट लेजर अकाउंट्स, ओके? वर्किंग नोट एक करेंगे रेशो का और साथ में हम लोग आगे दो पेज पे जर्नल एंट्रीज करेंगे, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल नॉर्मल जर्नल एंट्रीज। पहले चार प्रॉब्लम के 12th में जो बात मैं अभी बोलने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा ओल्ड बैलेंस शीट एडजस्टमेंट, उसके ऊपर से हमें ये अकाउंट करने। देखो 12th स्टैंडर्ड में या तो अकाउंट्स करने बोलते या जर्नल, दोनों साथ में नहीं बोलते, लेकिन हमें सब आना चाहिए राइट? सो हम लोग ये अकाउंट्स ओपन करेंगे, फिर रेशियोज फाइंड आउट करेंगे और फिर जर्नल एंट्रीज भी करेंगे राइट? ये होगा हमारा फुल प्रूफ आंसर। सो स्टूडेंट्स ये आप कॉपी कर लेना, आपको इसका फोटो भेज देते हैं, सो उसके ऊपर से आप इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि हमें किस हिसाब से आगे ये अकाउंट्स को फॉर्म करना है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।